नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टाइम टाइम पर इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है राजस्थान के लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित। राजस्थान पटवार के सिलेबस में लोकायुक्त टॉपिक दिया हुआ है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो कृपया ये वीडियो पूरा देखें अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल.एम. सिंघवी के द्वारा 1900 किया गया था। लोकपाल का शाब्दिक अर्थ जनता का संरक्षण है। भारतीय सुधार समिति 1966-67 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्या और समाधान हेतु लोकपाल और लोकायुक्त शब्द दिए गए थे। केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा लोकायुक्त राज्य स्तर पर जांच करता है, अर्थात राज्यों में लोकायुक्त होता है जबकि केंद्र में लोकपाल होता है। अगला पॉइंट है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईडी दुआ को राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त एवं केपीयू मेमन को 5 जून 1773 को उप लोकायुक्त बनाया गया था। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ भी है कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो आईडी दुआ, और उप लोकायुक्त थे वो थे केपीयू मेमन। और लोकायुक्त का गठन कब हुआ था, तो 28 अगस्त 1973 को। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ तथा 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। अब अगला पॉइंट है, इनके कार्य क्या होते हैं, क्या कार्य है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कार्य, तो देखिए कार्य क्या होता है, मंत्रियों और लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और बेईमानी की जांच करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो आपको ये याद रखना है, मंत्री और लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और बेईमानी की जांच करना। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, नोट डाल के लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको जरूर ध्यान रखना है। नोट डाल के हुआ है, लोकपाल और लोकायुक्त का विचार सर्वप्रथम स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था के आधार पर उत्पन्न हुआ। स्वीडन पहला देश है जिसने 1809 में इसको प्रारंभ किया, यानी कि सबसे पहले स्वीडन ने ही लोकपाल और लोकायुक्त का विचार दिया था, जिसकी ओम्बुड्समैन संस्था थी, और कब दिया था, 1809 में। इसके बाद देखिए, फिनलैंड ने 1919 में, नॉर्वे ने 1962 में, जबकि ब्रिटेन ने 1967 में संसदीय आयोग की स्थापना की। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये संसदीय आयोग इसका क्या मतलब है, बात चल रही है लोकपाल और लोकायुक्त की। देखिए इस पॉइंट को समझते हैं, ब्रिटेन में इस लोकपाल और लोकायुक्त को संसदीय आयोग ही कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, यहाँ लोकपाल लोकायुक्त कहा जाता है, लेकिन स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था ने ये लोकपाल और लोकायुक्त का विचार दिया था। लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल.एम. सिंघवी ने किया था। तो यही, यानी कि ब्रिटेन में संसदीय आयोग कहा जाता है लोकपाल और लोकायुक्त, जिसका गठन किया गया था 1967 में। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है राज्यपाल, और नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता से परामर्श करके दी जाती है। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, कार्यकाल से संबंधित ही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाजपा सरकार ने, यानी कि 2014 से में जब भाजपा सरकार आई थी, तो उस टाइम इसका कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया था। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसका कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया, जिसे कांग्रेस सरकार ने 5 मार्च 2019 को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान में जो राजस्थान का लोकायुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ तो ये समझेंगे अभी 8 वर्ष ही होता है, उन्होंने बाद का पढ़ा हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है 5 मार्च 2019 को उन्हें दोबारा से 5 वर्ष कर दिया गया है कार्यकाल। अब बात आती है जांच दायरे में। देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसके जांच दायरे में कौन कौन आते हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने, कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं।
देखिए जांच दायरे में आते हैं राज्य के मंत्री, जितने भी राज्य के मंत्री होते हैं सभी इसके जांच दायरे में आते हैं। राज्य स्तर के सचिव, महापौर, उपमहापौर, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, ये सभी जांच दायरे में आते हैं। तो जांच दायरे में कौन कौन नहीं आते हैं देखिए, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट हैं, कौन आते हैं ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो जांच दायरे में नहीं आते राज्य का मुख्यमंत्री, आरपीएससी के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधायक, पंच, पंचायत समिति के सदस्य, पार्षद आदि इस ये लोकायुक्त के जांच दायरे में नहीं आते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला छोटा सा पॉइंट है लोकपाल। देखिए लोकपाल आपको पता होगा अन्ना हजारे ने बहुत अनशन किए थे, तो ये तब समझ में नहीं आता था कि लोकपाल क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन वही है भ्रष्टाचार और बेईमानी की जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त तो होता है। जो ये लोकपाल होता है वो किस पर होता है, ये होता है केंद्र स्तर पर, जबकि लोकायुक्त किस पर होता है, वो राज्य स्तर पर होता है। तो इसका एक पॉइंट है, थोड़ा सा इसको अपन देख लेते हैं। देखिए केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया गया। इसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, परंतु लोकपाल की नियुक्ति 2019 कुछ समय पहले ही की गई थी। तो देखिए पहले लोकपाल कौन है ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि प्रथम लोकपाल है केंद्र के, वो हैं पिनाकी चंद्र घोष जी। तो दोस्तों थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है मैंने बता ही दिया कि मैंने खुद ने किस तरह से सिलेक्शन लिया था, वो सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि अगर तो आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँ जितना हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।